तो एक केस था, शायद उदयपुर का केस था, आई थिंक, पता नहीं कहाँ, शायद उदयपुर का था केस, बताता हूँ आपको क्या हुआ है। तीन चार लड़कियां, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, और कोरोना स्पेशली पकड़ रहा है, एज भी लोगों को पकड़ रहा है, और यू नो इन्फेंट जो हमारे बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो यू नो हम लोग हैं मिडिल वो थोड़े से सुरक्षित है, हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज जाती है इम्यूनिटी पावर गिरने लगती है, और बच्चों की भी नहीं होती। उनकी मम्मी बीमार पड़ गई, तीन चार लड़कियां थी, उनकी मम्मी बीमार पड़ गई, उनको हॉस्पिटल में डाला, हॉस्पिटल वालों ने पहले तो चेकअप किया, चेकअप करने के बाद बताया कि भैया आपकी मम्मी को कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है, आप जाओ आप वैक्सीन खरीद के लेके आओ, तो वैक्सीन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने बोला 7 डोज लगेंगी, ऐसे सुनने में आया, फिर 7 डोज उन्होंने 1 लाख रुपए की 7 डोज खरीदी है, सो रेमडेसिविर, सो 60 डोज 1 लाख रुपए में खरीदी, और लाके भी दी, बोले कि लगाओ, समझ लो, बाहर से खरीदी लाके दी, बोले लगाओ, वो डॉक्टर कहते रहे कि हम लगा भी रहे हैं, और रात तक मम्मी की तबीयत ठीक भी थी, लेकिन जैसे वो सुबह आए दोपहर तक मिलने नहीं दिया, फिर उसके बाद बोलते हैं आपकी मम्मी की डेथ हो गई है, एंड दे वर लाइक क्राइंग, मतलब सभी, ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, सो मम्मी की डेथ हो गई है, रात तक ठीक थे, डोजेस भी ला के दी। अब देखो सबसे दुख की बात ये थी कि जब डेथ सर्टिफिकेट आया, डेथ की रिपोर्ट बनानी होती कोई क्यों मरा, रीजन, तो डेथ हुई तो कोरोना की वजह से हुई है ना, ये होना चाहिए था उस डेथ सर्टिफिकेट पे, या जो भी रिसिप्ट देते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोरोना नेगेटिव थी आंटी, उनकी मम्मी, मतलब उनको कोरोना हुआ ही नहीं, तो फिर आपने उनको एडमिट क्यों किया, और फिर कोरोना के लिए तुमने दवाइयां क्यों मंगवाई, वैक्सीन क्यों मंगवाई, और उन्होंने फिर वहां पर वो हॉस्पिटल के सामने बैठ गए, बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ इस चीज़ से। तो बड़ा दुख की बात है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है, वहां पे हम लोग फायदा उठा रहे हैं, वेरी बैड, तो बहुत दुख की बात है।